दोस्तों, आपको क्रिकेट मैच देखना पसंद हो या ना हो, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैच का हर एक पल हम दर्शकों के लिए उतना ही रोमांचक और महत्वपूर्ण हो जाता है जितने उसे खेल रहे खिलाड़ियों के लिए। और इसी गर्मा गर्मी में कई बार खिलाड़ियों के बीच बड़ी बड़ी बहसबाजी भी हो जाती है, जिसके चलते टीम के बाकी खिलाड़ियों को आकर उस बहस को सुलझाना पड़ता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाइयों को देखकर हम दर्शक काफी उत्साहित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया पाकिस्तान के मैच में हुई कुछ ऐसी ही लड़ाइयाँ जिन्हें देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे 2012 में हुए T20 मैच की। इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी कामरान अकमल जब ईशांत शर्मा द्वारा फेंकी गई नो बॉल से आउट होने से बच गए, तब उन्होंने ईशांत का मजाक उड़ाया और इसी बात से गुस्से में ईशांत ने अगली ही बॉल में कामरान को चकमा दे दिया, जिसके बाद ये दोनों खिलाड़ी पिच पर ही एक दूसरे पर चिल्लाते हुए भिड़ गए। दोस्तों, अगर एम्पायर और युवराज सिंह इन दोनों खिलाड़ियों को ना हटाते तो मैच के बीचों बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी। इस बारे में ईशांत शर्मा को क्या करना चाहिए था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं उस वाक्य की जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच का आखिरी दो ओवर का मैच चल रहा था। भारत को जीत के लिए 7 बॉल पर 7 रन बनाने थे। ऐसे में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह यानी हमारे भज्जी पाजी को परेशान करने के लिए बॉल डाली, जिसके बाद उन्होंने भज्जी को परेशान करने के लिए कुछ बातें भी बोल डाली। इसी के बाद हमारे भज्जी पाजी को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच मैदान में बहस होने लगी। फिर रैना और एम्पायर के कहने पर भज्जी पाजी ने शांत रहना ही उचित समझा, जिसके बाद उन्होंने अपना गुस्सा बॉल पर निकाल कर अगली ही बॉल में छक्का जड़ दिया और इसी के साथ भारत मैच जीत गया। भारत को जीत दिलाने के बाद हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को अपना दमदार रूप दिखाया और बीच ग्राउंड में ही नाचने लगे, जैसा कि वो अक्सर जीतने की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं उस नज़ारे की जिसके बारे में हर क्रिकेट प्रेमी को अच्छे से याद होगा। ये बात तब की है जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच में गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे, तब पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान बार बार आउट की अपील करके गौतम गंभीर को परेशान कर रहे थे। ये सिलसिला कई बार होने के बाद गौतम गंभीर ने कामरान अकमल से डायरेक्टली पूछ ही लिया कि भाई तुम चाहते क्या हो, जिसके बाद उन दोनों ही खिलाड़ियों की आवाज़ तेज होने लगी। लेकिन गौतम गंभीर के साथ खेल रहे कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी ने गौतम गंभीर को समझाया और इस मामले को शांत करवाया, वरना ये बहस क्या रूप ले लेती किसी को नहीं पता था। अब हम बात करते हैं उस नज़ारे की जिसके बाद गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के ऊपर फाइन लगा दिया गया था। हुआ यूं था कि इस मैच के दौरान एक रन लेने के लिए गौतम गंभीर दौड़ रहे थे, तभी वो बॉलिंग कर रहे शाहिद अफरीदी से टकरा गए, जिसके बाद दोनों में बहस होने लगी। बहस देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि दोनों गाली गलौज पर उतर आए। एम्पायर के रोकने के बावजूद ये दोनों नहीं रुके। ये झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि दोनों को ही मैच के दौरान अभद्र भाषा के रूप में बात करने की वजह से फाइन देना पड़ा। दोस्तों, भले ही इस वाक्य के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि यहाँ किसी में कोई बड़ी बहस नहीं हुई थी, ये वाक्य हम जो आपको बताने जा रहे हैं ना, इसी में खेल की असली जंग हुई थी। दोस्तों, असल में हुआ ये कि जब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, तभी वीरेंद्र सहवाग को शोएब अख्तर लगातार बाउंसर बॉल फेंक रहे थे ताकि वीरेंद्र सहवाग कोई ऐसा शॉट मार दें कि जिससे वो आउट हो जाएं। तभी वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को पास बुलाकर कहा कि यही बॉल मास्टर ब्लास्टर को यानी सचिन तेंदुलकर को फेंक कर दिखाओ तो जाने, जिसके बाद ठीक वही हुआ। शोएब अख्तर ने सचिन को बाउंस बॉल खिलाई और सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का जड़ दिया, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर से कहा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा।
अगला जो वाक्य आप सुनने जा रहे हैं वो 1992 के वर्ल्ड कप का है, जहां पर भारत के विकेट कीपर किरण मोरे, जो कि पाकिस्तानी बैट्समैन जावेद मियादाद पर बार बार आउट की अपील कर रहे थे, जिससे गुस्सा खाकर जावेद ने बॉल कर रहे बॉलर को रोका और पीछे मुड़कर किरण मोरे से कहने लगे, क्या परेशानी है तुम्हें। फिर उसके बाद दोनों का ही गुस्सा चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से जावेद ने अगली ही बॉल पर बाउंड्री जड़ दी और उछल उछल कर भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे को चिढ़ाने लगे। दोस्तों, जावेद का ये अंदाज काफी वायरल भी हुआ था। अब हम बात करते हैं उस मैच की, जब वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाना था। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे आमिर सोहेल ने जब वेंकटेश प्रसाद की कई बॉल पर चौके मारने के बाद उनसे बदतमीजी से ये कहा कि जा, तुम्हारी अगली गेंद पर भी बाउंड्री मारूंगा, लेकिन वेंकटेश प्रसाद ने बदतमीजी का बदला आमिर को अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करके ले लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।